नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अर्बन पहाड़ी मिस्टिक पर फिर से स्वागत है। तो हमारी आज की कहानी है हैदराबाद के एक हॉन्टेड हाउस की। बताया जाता है कि वर्ष 2002 के दौरान इस हॉन्टेड घर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद ये जगह हैदराबाद के भूतिया स्थानों में शामिल हो गई। आज लोगों का कुंदन बाग में जाना वर्जित है। ये जगह शहर के अन्य गलियों साफ सुथरी ना होकर कूड़े करवट से भरपूर है। शाम के समय ये गली बेहद ही शांत और डरावनी नजर आती है। कुंदन बाग कॉलोनी के इस घर में माता पिता और दो बच्चियों का परिवार रहता था। ये कहा जाता है कि एक दिन इस परिवार का मुख्य यानी दोनों बच्चियों का पिता कहीं चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। कुछ पड़ोसियों के अनुसार माँ और बेटियाँ बहुत अजीब थी। अक्सर दोनों बेटियाँ घर से बाहर खून से भरी बोतल के साथ खेलती थी। पड़ोसियों की माने तो अक्सर घर के अंदर से कुछ अजीब आवाजें भी आती थी। लेकिन एक दिन एक चोर जब इस घर में चोरी करने के मकसद से घुसा तो उसके होश उड़ गए। उसने घर में तीन मृत लाशों को देखा। बाद में जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि वह घर में चोरी करने के इरादे से घुसा था, लेकिन घर के अंदर लाश देखकर वह भी डरकर भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने सभी मृत शरीर को कब्जे में लेकर जब पोस्टमार्टम कराया तो पुलिस के भी होश उड़ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन तीनों की मौत करीबन 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। जब पड़ोसियों को इस बात का पता लगा तो वह भी चौंक गए और सोचने लगे कि आखिर इस घर के बाहर कौन बच्चियां खेलती थी और घर में गाना कौन गाता था। जिसके बाद हर कोई इस घटना को सुनकर बहुत हैरान था। बाद में पुलिस के द्वारा इस घर में ताला डाल दिया गया और लाइट भी काट दी गई। इसके बावजूद घर के पहले हिस्से में लाइट को जलते हुए देखा गया। हालांकि घर के अंदर लाइट कौन जलाता है कोई नहीं जानता, क्योंकि घर के अंदर सभी का जाना वर्जित है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कहानी बन गई है ताकि लोग इस घर पर कब्जा ना करें और ना ही इसे खरीदें। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये जगह भूतिया है और उन्होंने यहाँ पर कई असामान्य गतिविधियाँ महसूस की हैं। कोई नहीं जानता आखिर राज क्या है, सच्चाई क्या है, कोई नहीं जानता। क्या ये वाकई एक विवादित संपत्ति है या फिर प्रेतवादित हवेली। हालांकि ये सच है कि कुछ लोगों ने इस घर के आसपास अजीब हरकतों को अनुभव किया है। अगर आप शाम के समय इस गली से गुजरते हैं तो यकीन मानिए ये गली सुनसान पड़ी आपको डराती हुई नजर आएगी। कुंदनबाग हवेली आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका क्या मानना है इस कुंदन हवेली के बारे में। और ऐसी ही और डरावनी और मिस्टीरियस कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल अर्बन पहाड़ी मिस्टिक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।